गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5 वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स आर नाउ नॉट प्रॉब्लम्स। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1.5। इन मेजरमेंट यू हैव डन दिस टेबल। बिफोर स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5 आई विल गिव intro about this table. All of you have done the table that King Harry died, mother did not cry much. In this table, what shows? Kilometer, hectometer, decameter, meters, decimeters, centimeter, millimeters. In the same way, meter, this is the basic unit. And किलोमीटर आ जाए, किलोग्राम आ जाए, किलोलीटर आ जाए। किलो शोज द 1000 टाइम्स ग्रेटर एंड मिली लास्ट यूनिट शोज 1000 टाइम्स डिस्टेंस। लुक एट हियर, डिस्टेंस किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, दे शोज द डिस्टेंस। वेट किलोग्राम, ग्राम, दे शोज द वेट। लीटर्स शोज द वॉल्यूम। ओके, नाउ कम टू हियर। 1 kilometer is equal to 1000 meter. All of you have learned the table that when we go one step forward, it multiplies. 1 kilometer is equal to 1000 meters. And 1 meter, one step, then second step, two steps forward. 1 meter is equal to 100 centimeter. And 1 centimeter is equal to 10 millimeter. ओके, देन 1 मीटर इज इक्वल टू लास्ट स्टेप। अगर यहाँ से हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे 1000 मिलीमीटर। इन द सेम वे 1 किलोमीटर से अगर हम सेंटीमीटर पे जाएंगे 5 स्टेप्स फॉरवर्ड मीन्स 1 लाख सेंटीमीटर। इन द सेम वे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर, दैट मीन्स 10 लाख मिलीमीटर। ओके, एंड व्हेन वी कम बैक, जब हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं तो मिलीमीटर से मीटर पे जाते हैं, देन इट विल बी 1/1000 मिलीमीटर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट योर पेज 1.21। लुक एट योर बुक्स, पेज नंबर 1.21। हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम? 1 किलोग्राम, how many steps are there? That are 6 steps. That means 10 lakh milligrams. Okay, mg. Now come to the second sum. Beta, I have written the statement on the board, but aapne statement notebook pe nahi likhni, aapne yahan se start karna sum, jahan se iska answer start karna. Okay, now look at your books. A box of medicine tablets contains 2 lakh tablets, each weighing 20 mg. Ek box mein medicines hain 2 lakh aur ek tablet ka weight hai 20 mg. What is the total weight of all the tablets in the box in grams or in kilograms? सबसे पहले हमने इसका टोटल वेट निकालना है, एम जी मिलीग्राम। आप कोई टैबलेट लेके देखना, वहाँ पे आपको लिखा होगा 20 mg की है, 50 mg की है, 500 mg की, टैबलेट्स के ऊपर लिखा होता है वेट उनका। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल टैबलेट्स। टोटल कितनी है? 2 लाख। वेट ऑफ वन टैबलेट, वन टैबलेट का वेट कितना है? दैट इज 20 mg। तो टोटल वेट कितना आ जाएगा? 2 lakh multiply 20। समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज, क्या कंफ्यूजन होती है? टोटल वेट को, टोटल वर्ड को देख के वो ये सोचते हैं कि ये जो टैबलेट्स हैं उसको हमने, इनको दोनों को प्लस करना है, बट प्लस नहीं करना है। एक टैबलेट का वेट दिया है 20 mg, तो 2 लाख का अगर हम प्लस करेंगे 2 लाख 20 हो जाएगा, वो तो गलत हो गया। हमने उनको मल्टीप्लाई करना है। कीप इन माइंड कि एक टैबलेट का वेट है 20 mg, तो 2 लाख का कितना होगा? मल्टीप्लाई 2 लाख मल्टीप्लाई
20, that is 40 lakh. Is it clear? 40 lakh mg. After that, I will clean the board. Look at the board, hurry up. After that, there are two parts to find the weight in grams or weight in kilograms. I will put a line. पहले वो आपने लिख लेना है, उसके नीचे आपने ऐसे लाइन लगानी है. आपने वेट किसमें निकालना है? फर्स्ट पार्ट आ जाएगा इन ग्राम्स. जब आपने mg का वेट ग्राम्स में निकालना है तो mg किसके इक्वल है? 1/1000 ग्राम. लास्ट में था ना मिलीग्राम, तो उसके बाद 3 स्टेप्स जब आप बैक आओगे तो 1/1000. तो आपके पास कितना आया था? 40 lakh/1000. 3 जीरोस कट गई, ये आपका आ जाएगा 4000 ग्राम. क्लियर? आफ्टर दैट इन किलोग्राम. ओके, 1 mg इज इक्वल टू 1/10 lakh. क्लियर? देन 40 लाख था आपके पास स्टार्टिंग में, जो आपका आया था टोटल वेट 40 lakh/10 lakh. सारी जीरो, 66 जीरो कट गई, ये आपके पास आ गया 4 kg. टू पार्ट्स में ये सम करना है. पहले टोटल का कर लिया हमने, 2 लाख को 20 से मल्टीप्लाई कर लिया, 40 लाख आ गया. फिर हमने इसका वेट ग्राम्स में पता किया तो हमारा आंसर आ गया 4000 ग्राम, और किलोग्राम में किया तो हमारा आंसर आ गया 4 किलोग्राम. इज इट क्लियर? नाउ कम टू द सम नंबर थर्ड. बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, यू विल नॉट राइट द स्टेटमेंट ऑन द नोटबुक. ओनली लुक एट योर बुक. Only write the answer. सिर्फ आपने आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है. स्टेटमेंट सम्स जो वर्ड प्रॉब्लम सम्स होते हैं उनकी स्टेटमेंट मत लिखना. थर्ड सम, पॉपुलेशन ऑफ सुंदर नगर वाज 2,35,471. सुंदर नगर की जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी इन द ईयर 1991 में इतनी थी पॉपुलेशन. इन द ईयर 2001 में इट वॉज फाउंड टू हैव इंक्रीज, और ये बढ़ के कितनी हो गई? 72,958. वट वॉज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001? अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इनक्रीज. इंक्रीज जब आ जाए वर्ड बड़ी है, आप सबको पता है इंक्रीज का मीनिंग, सभी को पता है इंक्रीज क्या होता है. इंक्रीज में हम प्लस करेंगे, और डिक्रीज, अगर डिक्रीज वर्ड आ जाए पेपर में इंक्रीज की जगह. स्टूडेंट्स ने क्रैमिंग की होती है, बस देखते हैं क्वेश्चन को, स्टेटमेंट अंदर से देखनी नहीं, और उसको प्लस कर देते हैं. अगर डिक्रीज है तो माइनस होगा. कीप इन माइंड दीज टू थिंग्स, कि इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस. अब देखिए मैंने क्या लिखा, पॉपुलेशन इन द ईयर 1991 दिस वन, इंक्रीज पॉपुलेशन दिस वन, पॉपुलेशन इन द ईयर 2001, इसको हमने प्लस कर दिया तो हमारा ये आंसर आ गया यहाँ पे 9,24,803. दैट मीन 3,08,429. इज इट क्लियर? बेटा टुडेज डायरी इज डू सम नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 ऑन योर रजिस्टर. 1.5 का जो सम नंबर 4 है वेरी इजी, यू विल डू योरसेल्फ ऑन द रजिस्टर नीटली. टेक केयर एंड गुड बाय.